मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बाइवेरिएट टेबल वाला सम देखा था, एग्जांपल नंबर 15 आई थिंक किया था और एग्जांपल नंबर 14 आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 16 से हम आगे बढ़ रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, देखना एग्जांपल नंबर 16 फॉर बाइवेरिएट डेटा एक्स बार इज 53.2 एंड y बार इज 27.9, x बार y बार दिया हुआ है, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, अच्छा रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x है तो हम उसको लिखेंगे BYX -0.5 एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y दैट इज BXY -0.2। फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y, y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x इज 60, x अगर 60 है तो y का वैल्यू कितना मिलेगा वो हमको फाइंड करना है, देन r द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका मतलब ऐसा हुआ y का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू दिया है तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां लिखते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y माइनस y बार इक्वल टू बी वाई एक्स इन टू ब्रैकेट x माइनस x बार, वैल्यू लगते हैं अंदर y माइनस y बार इज 27.9, बी वाई एक्स माइनस 0.5, x माइनस x बार इज 53.2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर y एज इट इज लिखेंगे हम, माइनस 0.5 इंटू एक्स तो माइनस 0.5x, माइनस 0.5 इंटू 53.2 माइनस माइनस प्लस होगा 0.5 इंटू 53.2, 0.5 इंटू 53.2 करने से 26.6 मिलेगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 27.9 है सामने ट्रांसफर किया 27.9 प्लस हो गया, so y equal to 27.9 plus 26.6, 27.9 plus 26.6 दोनों का टोटल हो गया 54.5 minus 0.5x लिखेंगे। अब ये रिग्रेशन लाइन हमको मिल गई y on x, y का वैल्यू एस्टिमेट करना है when x is 60, x 60 होगा तो y का वैल्यू हमको फाइंड करना है y क्वेश्चन मार्क, सो y इक्वल टू 54.5 माइनस 0.5 और x की जगह पे लिखना है 60, तो 54.5 माइनस 0.5 इंटू 60 करेंगे, 0.5 इंटू 60 करने से हमको मिलेगा 30, सो y फाइनली 54.5 माइनस 30 मतलब 24.5 मिल गया। अभी आगे क्या फाइंड करने का बोला था, देखो फर्स्ट था मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू फाइंड करो व्हेन x इज 60, x अगर 60 दिया हुआ है, देन सेकंड नंबर में क्या है r द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r कैसे फाइंड करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, BYX, BXY और R तीनों का साइन सेम होगा, यहाँ दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लिखना है बाहर, अंडर रूट BYX इंटू BXY, सो माइनस अंडर रूट माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.2, सो माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके फिर रूट निकालेंगे, 0.5 इंटू 0.2 0.10 हुआ और उसका रूट निकाला तो 0.31, 6 बाद में है तो 0.32 लिखेंगे माइनस में, ये बाहर वाला माइनस लगता है, अंदर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन ये जो बाहर माइनस लिखा है इसलिए r का वैल्यू माइनस में लिखना है, चलो वैल्यू ऑफ r आपको मिलेगा माइनस 0.32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ बी वाई एक्स इज माइनस 3/2, बी वाई एक्स इज माइनस 3/2 एंड बी एक्स वाई इज
माइनस वन बाय थ्री। देन फाइंड आर एक्स वाई, आर एक्स वाई आर फाइंड करेंगे अंडर रूट माइनस बाई लिखना पड़ेगा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सो माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू इंटू वन बाय थ्री, तो ये थ्री एंड थ्री कैंसल हो गया, माइनस वन बाय थ्री, दोनों साइड माइनस था प्लस हो गया। सो अंडर रूट लिखेंगे हम माइनस थ्री थ्री कैंसल, वन बाय टू मिलेगा। अब वन बाय टू कैलसी पे करते हैं तो वन बाय टू मतलब वन डिवाइड बाय टू मतलब 0.5, और उसका रूट निकालने से पॉइंट मिलेगा 71.71। R इक्वल टू माइनस 0.71, वन बाय टू कैलसी पे किया 0.5 मिला और उसका रूट निकाला 0.707 था, इसलिए 71 लिखा। चलो नेक्स्ट पॉइंट 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, y ऑन x रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज byx, एंड x ऑन y रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब bxy। तो बी वाई एक्स इज गिवन, बी वाई एक्स आपको दिया हुआ है 18 नंबर के सम में, बी वाई एक्स इज 1/3 एंड बी एक्स वाई इज 1/4। ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर, दोनों प्लस में है तो अंडर रूट के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सो अंडर रूट 1/3 इंटू 1/4, ठीक है, 1/3 1/4 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, सॉरी 1/3 एंड 3/4 है, यहाँ पे गलत है, 3/4 करना है, 1/3 3/4, ठीक है। तो यहाँ 3/3 कैंसल हो गया, 3/3 कैंसल हो गया, इसका मतलब 1/4 रहेगा। अब रूट निकालते हैं तो 1 का रूट 1 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा, तो 1/2 करने से 0.5 आंसर मिलेगा। चलो 19 नंबर, 19 नंबर में देखो, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आपको दिए हुए, बी वाई एक्स इज माइनस 0.50 एंड बी एक्स वाई इज माइनस 0.08, और फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर, दोनों साइड माइनस है तो माइनस बाय लिख देंगे पहले, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सो माइनस अंडर रूट माइनस 0.50 इंटू माइनस 0.08, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके फिर रूट निकालेंगे और जो आंसर मिलेगा वो माइनस में हम लिखेंगे 0.50 इंटू 0.08, मल्टीप्लीकेशन हो गया 0.04 और उसका रूट निकाला तो 0.2 मिलेगा, माइनस रखेंगे माइनस 0.2। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, बी वाई एक्स इज माइनस 0.25 एंड बी एक्स वाई इज 1/6। सॉरी 20 नंबर है ना, बी वाई एक्स माइनस 0.25 एंड आर इज 1/6, आर इज माइनस 1/6। देन फाइंड करना है बी एक्स वाई फाइंड करना है। चलो तो यहां पे क्या करेंगे, तो आर का फॉर्मूला लिखते हैं, आर देखो यहां पे आर का फॉर्मूला है, अगर मैं यहां स्क्वायर कर रहा हूं तो सामने का रूट निकल जाएगा, ये माइनस होगा वो भी प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैं r दिया हुआ है इसलिए ऐसा फार्मूला लिखूंगा, r स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला है, स्क्वायर किया है, r का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, इधर रूट था निकल गया और यहाँ माइनस था उसका स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/6 का स्क्वायर। देन बी वाई एक्स इज माइनस 0.25 एंड वी हैव टू फाइंड बी एक्स वाई, बी एक्स वाई आपको फाइंड करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36, अभी 0.25 मल्टीप्लीकेशन में नीचे लेके जाऊंगा डिवाइड होगा, माइनस 0.25 इक्वल टू बी एक्स वाई। सो बी एक्स वाई इज 1 एज इट इज,
36 इंटू 0.25 करते हैं, 36 इंटू 0.25 किया, 9 मिला, माइनस 9 है, माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ, माइनस 1/9 बी एक्स वाई का वैल्यू मुझे मिलेगा। डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करते तो भी, ऐसा रहने देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। 21 नंबर, बी वाई एक्स इज 0.8, बी वाई एक्स इज 0.8, देन आर इज 0.4, फाइंड बी एक्स वाई, बी एक्स वाई फाइंड करना है, तो चलो आर का फॉर्मूला। अब यहां भी आर आपको दिया हुआ है तो आर स्क्वायर लिखेंगे, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, आर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और अगर आर फाइंड करना है तो प्लस या माइनस, देखो यहां माइनस था यहां प्लस था, तो प्लस या माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो यहां पे आर 0.4 स्क्वायर, बी वाई एक्स 0.8, बी एक्स वाई अननोन, चलो 0.4 का स्क्वायर करेंगे, तो 0.4 इंटू 0.4 करने से कितना मिलेगा, 0.16 मिलेगा, डिवाइड बाय 0.8 इक्वल टू बी एक्स वाई, सो बी एक्स वाई इज 0.16 डिवाइड बाय 0.8 किया तो 0.2 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एग्जांपल नंबर 16 से एग्जांपल नंबर 21 तक के किए हैं, ठीक है, सभी एग्जांपल वीडियो को पोस्ट करके लिख दो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22 एंड एग्जाम्पल नंबर 23 दोनों सेम है। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 23 करा रहा हूँ, आप होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 22 करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 करा रहा हूँ, फ्रॉम 25 पेयर्स ऑफ वैल्यूज, 25 पेयर्स ऑफ वैल्यूज, एग्जाम्पल 23, 25 पेयर्स ऑफ वैल्यूज, दैट इज एन 25 लिखेंगे, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन, सिग्मा एक्स इज 100, सिग्मा वाई इज 125, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 440, सिग्मा वाई स्क्वायर इज 650, सिग्मा एक्स वाई इज 508, ठीक है। फाइंड आउट लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड आउट लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई भी फाइंड करना है, देन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू एस्टिमेट करना है, फॉर एक्स फोर, एक्स फोर होगा तो वाई वैल्यू एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू एस्टिमेट करना है, फॉर वाई इक्वल टू फाइव, वाई फाइव होगा तब। इसका मतलब दोनों रिग्रेशन लाइन मुझे बनाने, फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, सबसे पहले तो x बार y बार फाइंड कर देते हैं, x बार इज सिग्मा x अपॉन n, 100 डिवाइड बाय 25 तो 4 हो गया, देन y बार सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y इज 125 डिवाइड बाय 25 तो 5 हुआ। अब फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, y ऑन x पहला और दूसरा x ऑन y, b y x में लिखना है n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर, और इसी तरह से सामने की साइड पे बी एक्स वाई फाइंड करना है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रखते हैं अंदर, एन 25 है, सिग्मा एक्स वाई इज ये रहा 508 माइनस सिग्मा एक्स इज ये रहा 100 एंड सिग्मा वाई इज 125 डिवाइड बाय n 25 सिग्मा x स्क्वायर, x स्क्वायर इज 440 माइनस
सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो 25 into 508 लिखेंगे, तो 12700 माइनस 100 into 125 12500 डिवाइड बाय 25 into 440 11000 माइनस 10000। चलो माइनस करते हैं 12700, उसमें से माइनस करेंगे 12500, तो 200 रहेगा डिवाइड बाय 1000। कैसे, तो 11000 माइनस 10000 तो 1000। सो बी वाई एक्स इज 0.200 बाय 1000 किया तो हमको मिला 0.2। अब सामने वाली साइड बी एक्स वाई फाइंड कर रहे हम, 25 into 508 माइनस सिग्मा एक्स इज 100 सिग्मा वाई इज 125 डिवाइड बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर, एन इज 25 सिग्मा वाई स्क्वायर इज 650 माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर 125 का स्क्वायर। नाउ 25 into 508 आंसर इज 12700 माइनस 12500 इंटू 100 12500 होगा 25 into 650 16250 माइनस स्क्वायर ऑफ 125 15625। अब माइनस करेंगे तो ऊपर 200 मिलेगा, नीचे 16250 माइनस 15625 आंसर इज 625। सो बी एक्स वाई फाइनल वैल्यू 200 बाय 625 किया तो आंसर मिला 0.32। तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हुआ, बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया हमने। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप रिग्रेशन इक्वेशन या फिर रिग्रेशन लाइन, वो भी दोनों वाई ऑन एक्स और सामने एक्स ऑन वाई। ऑन एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार, और सामने की साइड एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार। सो y माइनस वाई बार, तो y बार कितना है, ये रहा y बार इज 5, बी वाई एक्स तो ये रहा बी वाई एक्स इज 0.2 इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज 4। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लीकेशन 0.2 इंटू एक्स इज 0.2x माइनस 0.2 इंटू 4 करेंगे 0.2 इंटू 4 आंसर इज 0.8 माइनस 5 का प्लस 5। सो वाई इक्वल टू 5 माइनस 0.8 डेट इज 4.2 प्लस 0.2x सामने की साइड एक्स माइनस 4 इक्वल टू बी एक्स वाई, बी एक्स वाई इज 0.32 इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार डेट इज 5। सो एक्स इक्वल टू 0.32 इंटू वाई 32y माइनस 0.32 इंटू 5 करना है 0.32 इंटू 5 तो मल्टीप्लीकेशन हो गया 1.6 माइनस में एंड देन माइनस 4 का प्लस 4। सो एक्स इक्वल टू 4 माइनस 1.6 आंसर इज 2.4 प्लस 0.32y। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y हुआ। अब एस्टिमेशन करना था आपको, किसका एस्टिमेट करना है, देखो पहले एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y, y का एस्टिमेट करो व्हेन x इज 4, x इज 4 y क्वेश्चन मार्क एस्टिमेट करना है y का, और सामने वाली साइड में क्या है एस्टिमेट x, x का एस्टिमेट करना है व्हेन y है 5। ठीक है चलो, तो यहाँ वैल्यू रख के एस्टिमेट करते हैं
4.2 प्लस 0.2 इंटू 4 करेंगे, सो 0.2 इंटू 4 करने से 0.8 मिलेगा, सो y इज 0.2 इंटू 4 किया तो 8 मिला, बराबर है, 0.2 इंटू 4, 0.8 प्लस 4.2, सो आंसर इज 5। और सामने की साइड पे क्या होता है देखते हैं, x इक्वल टू 2.4 प्लस 0.32 इंटू 5, तो 0.32 इंटू 5 करो, 0.32 इंटू 5, आंसर इज 1.6, 1.6 प्लस 2.4 करने से x का वैल्यू मिल जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 4, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 23 हमने किया है बोर्ड पे, आपको होमवर्क के अंदर करना है एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 22 होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एक ही एग्जांपल मैंने होमवर्क में दिया है, वो कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नई मेथड देखेंगे, बाय एवरीवन।